व्यापारी संगठन की ओर से सरकार व प्रशासन का जनता विरोध, भारी यातायात की समस्या का समाधान नहीं होने पर 12 सितंबर से अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी। एटापल्ली तालुका में लॉयड मेटल सुरजागढ़ लोह संयंत्र से लोह समृद्ध पत्थर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलापल्ली से आष्टी तक ओवरलोड वाहनों द्वारा सूरजगढ़ से पहुंचाया जा रहा है। क्षमता से दो गुने लो अयस्क के परिवहन के कारण अलापली से आष्टी तक पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े बड़े गड्ढों का साम्राज्य हो गया है। लाइट मेटल्स कंपनी की ओवरलोड गाड़ियों की वजह से अलापली ट्रेड एसोसिएशन की ओर से 29 अगस्त 2022 को सरकारी प्रशासन से मांग की गई थी कि लो युक्त पत्थर और पाउडर के परिवहन के कारण होने वाली समस्याओं का समाधान। हालांकि सरकार और प्रशासन के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई और पत्राचार के बावजूद यह भारी यातायात के कारण होता है समस्या वही है। इन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अलापली व्यापारी संघ की ओर से 12 सितंबर को अलापली में चक्का जाम लगाया गया था। हालांकि सरकार और प्रशासन लॉयड मेटल सुरजागढ़ कंपनी के दबाव में आ गई है। 8 सितंबर से 22 सितंबर तक जन आंदोलन को दबा दिया, तब तक कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है। अतः उपरोक्त मांगों को लेकर जन आंदोलन को दबाने के लिए कलेक्टर गढ़चिरौली द्वारा 8 सितंबर से 22 सितंबर तक जारी कर्फ्यू आदेश अनुचित है। इसलिए सरकार और प्रशासन के विरोध में अलापली में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने 12 सितंबर आज 8 सितंबर से अलापली में लोक निर्माण विभाग के विश्राम कक्ष में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में अनिश्चित काल के लिए बंद रहने की चेतावनी दी है। भारी वाहनों की आवाजाही के कारण अलापली से आष्टी तक धूल है जो लोगों के स्वास्थ्य के दौरान फेफड़े में जा रही है और उनके स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है और प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। खराब सड़कों के कारण स्कूली छात्रों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है, कई छात्रों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। लॉयड मेटल सुरजागढ़ कंपनी के कारण और उन्हें अपनी जान के साथ अलापली से आष्टी की यात्रा करनी पड़ रही है। त्या त्रिवेणी कंपनीच्या विरुद्ध आमचा जाहिरात निषेध। आज अल्लापल्ली व्यापारी संघटनेकडून इथे पत्रकार परिषदेमध्ये आम्हाला सांगताना आम्हाला खूप त्रास होत आहे। इथे जे लोह दगड आपण वाहतूक इथून होत आहे, अल्लापल्ली ते चंद्रपूर असो अनेक राज्यामध्ये वाहतूक होत आहे, त्या लोह दगड अल्लापल्ली पूर्ण धूळ पसरत आहे। आज दडवाने इथून अल्लापल्लीवरून निघताना कित्येक ॲक्सिडेंटसुद्धा होत आहे। आज आमच्या प्रशासनाच्या आम्ही कित्येकदा तरी मागणी मागितली आहे, ती आमची मागणी आजपर्यंत पूर्ण झालेली नाही, त्याचा आम्हाला खूप गैर निषेध आहे। आणि आता यावेळेस आम्ही आंदोलन करण्याचा विचार केला होता, त्यावेळेस प्रशासनाने 37 कलम लागू केली आहे। 37 कलम लागू झाल्यामुळे आम्ही आंदोलन करू शकत नाही, त्यामुळे आम्हाला आता व्यापारी संघटना पुढे येऊन आम्हाला व्यापारी चे प्रतिष्ठापने बेमुदत बंद संप असं पुकारण्याचा आमचं ठरविलेलं आहे। त्यामुळे आम्ही व्यापारी संघटना 12 तारखेपासून बेमुदत बंद करत आहोत। अक्सर इस रास्ते पर क्या सरकार और प्रशासन यह नहीं देख सकते कि घातक हादसों में कई लोग व मवेशी भी अपनी जान गंवा चुके हैं। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और पुलिस विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, प्रशासन के अधिकारी क्या कर रहे हैं? हम व्यापारी वर्ग से पूछ रहे हैं। सरकार और प्रशासन का काम लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, इसलिए प्रशासन ने व्यापार संघ के आंदोलन का खामियाजा उठाया है। इसलिए 12 सितंबर से अलापली क्षेत्र के व्यापारी अपनी दुकानें अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर सरकार और लॉयड मेटल सुरजागढ़ कंपनी के खिलाफ व प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक बड़े जन आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। अलापली के सरपंच शंकर मेशराम, अध्यक्ष चंद्रकिशोर पांडे, सचिव अमित पेमकवार, उपाध्यक्ष अमोल कोलपाकवर, राकेश कन्या पवार, विवेक चिल्यालवार, विनोद कावेरी, इरफान पठान, विजय गुप्ता, अजय गुप्ता, इस मौके पर दिलीप बिरेलवार, अज्जू पठान, संजय अक्केवार, विवेक चिल्यालवार, विनोद कावेरी समेत अन्य व्यापारी मौजूद थे।